गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, वेलकम टू पार्थ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 14 रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। बच्चे, टुडे वी विल डिस्कस सम लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज और सम लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। बच्चे, वी नो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग फास्टर देन एवर, ओके, एंड दीज एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आर द बेस फॉर द सोसाइटी ऑफ टुमोरो। एंड टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द लेटेस्ट कंप्यूटिंग एडवांसमेंट्स, एंड दीज कंप्यूटिंग एडवांसमेंट्स इंक्लूड क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड फोर्थ वन इज वियरेबल टेक्नोलॉजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग। बच्चे, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर अ सर्विस ओवर अ नेटवर्क और एन इंटरनेट। डू यू नो नेटवर्क? नेटवर्क मीन्स कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स टूगेदर, एंड इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, और यू कैन से ग्लोबल नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर या लोकल नेटवर्क के ऊपर, सो दैट इज टर्म्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड दीज सर्विसेज इंक्लूड डेटा स्टोरेज, आप डेटा स्टोर कर सकते हो, यू कैन यूज और यू कैन प्रोवाइड द सर्विस ऑफ सर्वर्स, ठीक है, आप सर्वर्स प्रोवाइड करिए, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर्स। बच्चे, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट होता है कि जिस तरह से क्लाउड्स आपसे फार अवे है ना, इसी तरह से कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो आपके पास नहीं है बट स्टिल यू कैन यूज इट, ठीक है। कैसे यूज करोगे? क्योंकि कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। मींस, अब सपोज करो मेरे सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके, बट आई हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, आई कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर विदाउट इंस्टॉलिंग ऑन माय सिस्टम। इसी तरह से मेरे सिस्टम पर हार्ड ड्राइव या लोकल स्टोरेज डिवाइसेज नहीं है टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। Rather than this, I can store huge amount of data on some other's server. मैं किसी और के servers पर जाके data को store कर सकती हूँ, and I can access that data later whenever I required, but with the help of internet. बच्चे, for example, take an example of Gmail. Gmail use करते हैं आप सब लोग। Gmail क्या है? क्या आप जीमेल पर जो भी मेल डालते हो या जो भी आपने मेल्स किए, क्या आप सिर्फ अपने लोकल पीसी पर उसको एक्सेस कर सकते हो? सपोज मैंने अपने आप को एक फाइल मेल की, तो कैन आई एक्सेस ओनली ऑन माय सिस्टम? नो, आई कैन एक्सेस इट एनीवेयर, ठीक है। मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बस मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आई कैन यूज दैट फाइल, ठीक है, और ओपन दैट फाइल एनीवेयर। मीन्स आई एम स्टोरिंग माई डेटा ऑन सम अदर्स सर्वर। मैं किसी और के सर्वर्स के ऊपर अपने डेटा को क्या कर रही हूँ? स्टोर कर रही हूँ, एंड दैट सर्वर्स आर नॉट क्लोज टू मी, दैट आर फॉर अवे फ्रॉम मी। तो फ्रॉम हेयर द टर्म क्लाउड, ओके, इट मीन्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग रादर देन कीपिंग फाइल्स ऑन योर हार्ड डिस्क, ठीक है, एंड लोकल स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज आपको क्या कहता है? इट मेक्स इट पॉसिबल टू सेव देम ऑन अ रिमोट डेटाबेस। रिमोट मीन्स द डेटाबेसिस दैट आर फार अवे फ्रॉम यू। बस जैसे ही आपके पास आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यू कैन एक्सेस द वेब, यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम दोज रिमोट डेटाबेसिस। इज इट क्लियर? इट मीन्स एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज एक्सेस टू द वेब, it has access to the data and the software programs to run it. It means without installing any software, you can use that software without storing your data on your PC, you can save it.
that clear? It means cloud computing is a popular option for the people and business for a number of reasons. क्या reasons हैं इसको use करने के? The very first one is cost saving. आपको बहुत ज़्यादा data store करने के लिए या softwares purchase नहीं करने पड़ेंगे, आपको storage space purchase नहीं करना पड़ेगा, आपको hard drives परचेज नहीं करने पड़ेंगे. यू कैन स्टोर योर डेटा ऑन सम अदर सर्वर्स. इट इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इवन स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज इट प्रोवाइड दीज डेटाबेसेस एंड दीज सर्वर्स प्रोवाइड्स यू वेरियस सिक्योरिटी ऑप्शंस. Is it clear? Nowadays we can store our data on some other servers and we can access it with the help of internet. That is the concept of cloud computing. I think so concept clear ho gaya cloud computing ka. Now the next is, what are the advantages of cloud computing? Bache, cloud computing se abhi maine aapko bataya kya hota hai, cost saving, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड एंड एफिशिएंसी, योर सिस्टम परफॉर्मेंस विल गेट इंक्रीज्ड एंड इवन इट प्रोवाइड्स यू द सिक्योरिटी ऑप्शंस. एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस किया था, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर इज योर गूगल्स जीमेल विच अलाउज यू टू स्टोर 15 GB ऑफ डेटा. आप 15 GB तक का डेटा अपने जीमेल अकाउंट पर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो बहुत सारे बच्चे तरह के क्लाउड्स कंप्यूटिंग होते हैं, कुछ प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड होते हैं एंड हाइब्रिड क्लाउड्स. ओके, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह की सर्विस यूज कर रहे हो. आइदर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी तो आप प्राइवेट, उस कंपनी का प्राइवेट क्लाउड यूज कर सकते हो. पब्लिक, जैसे आप गूगल जी मेल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड. ओके, इसी तरह से हाइब्रिड क्लाउड्स भी होते हैं. आई थिंक सो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी इज अ वे टू क्रिएट अ 3D और 3D कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरमेंट दैट इमेज द यूजर इन टू वर्चुअल वर्ल्ड. ओके, इट इज सीम रियल बट आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरमेंट. बेटे इस तरह का वर्चुअल रियलिटी क्या करती है, एक कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल एनवायरमेंट क्रिएट कर देती है और यूजर को ऐसा लगता है कि दैट इज इन रियल. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप 3D सिनेमा, हैव यू एवर वॉच 3D सिनेमा, 7D सिनेमा, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल रियलिटी. दैट इज नॉट रियल बट इट सीम्स रियल. जब आप उस तरह की मूवीज देखते हो तो आपको लगता है कि आप रियली उस वर्ल्ड में हो, लेकिन आप वहां नहीं होते. इट क्रिएट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड फॉर यू. ओके, सो दैट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी. इट मींस इट क्रिएट्स अ 3D. 3D क्या होता है बेटा, जो हम रियल लाइफ में रहते हैं ना, वी आर इन द 3D एनवायरमेंट. ओके, वी आर इन द 3D एनवायरमेंट एंड दैट इमेज द यूजर इन टू द वर्चुअल वर्ल्ड. बच्चे दिस टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस लाइक गेमिंग. ओके, एंड इन 3D सिनेमा अदर एप्लीकेशंस वी कैन आल्सो बिल्ड द डिजाइंस ऑफ आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स विद द हेल्प ऑफ, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस जो आपको एक 3D व्यू देती है पूरे का पूरा. ओके, सो इट यूज्ड इन आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल रियलिटी. एक इस तरह की रियलिटी जो इमेजिनरी है, दैट इज नॉट रियल. नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज AI. AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क्स एंड रिएक्ट्स लाइक ह्यूमन. बच्चे एक चीज को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना, मशीन्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना, सो दैट दे कैन वर्क लाइक ह्यूमन, दे कैन थिंक लाइक ह्यूमन, दे कैन रिएक्ट लाइक ह्यूमन. इस तरह की मशीन्स को
मशीन्स एक्चुअल में इंटेलिजेंट नहीं होती बेटा, एक कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट एन इंटेलिजेंट। इस तरह के मशीन्स के अंदर नॉलेज बेस यानी कि डेटा स्टोर कर उन्हें इस कैपेबल बनाना कि दैट कैन रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। सो दैट इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आप रोबोट्स देखते हो, रोबोट्स आर द मशीन्स दैट कैन रिएक्ट लाइक ह्यूमन, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। एक मशीन है, अगर आप उसको प्रोग्राम नहीं करोगे, आप उसमें डेटा फीड नहीं करोगे, तो दैट इज जस्ट लाइक मशीन्स। उन मशीन्स को आर्टिफिशियली, दे आर नॉट इंटेलिजेंट बाय डिफॉल्ट, वो इंटेलिजेंट नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर इंटेलिजेंट, ह्यूमन इंटेलिजेंट होते हैं, बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता। बट मशीन्स को आप आर्टिफिशियली क्या बनाते हो, इंटेलिजेंट बनाते हो। Is it clear? So, some of the activities for which computer with artificial intelligence are designed, like speech recognition, आपके फोन में भी होता है। Yes, even आपका फोन अगर आप लॉक लगाओ तो आप बोल के उसके फोन को ओपन कर सकते हो, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन, लर्निंग, इवन आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे ना बेटा, यू कैन सर्च विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस कमांड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पीच रिकॉग्निशन, लर्निंग, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दीज आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिवाइसेस जो एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करते हैं, हैव यू डू यू हैव एन एप्पल फोन, एप्पल फोन के ऊपर बेटा सीरी, सीरी एक ऐप होती है जो वॉइस कमांड्स को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, ओके। सिमिलरली जो विंडो सिस्टम है उसमें कॉर्टाना आता है, एक ऐप आती है, ओके। नेक्स्ट इज एलेक्सा, एलेक्सा के बारे में सुना होगा, दैट इज अ स्मार्ट डिवाइस दैट मेक योर होम स्मार्ट, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ द नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज योर वियरेबल टेक्नोलॉजीज। बच्चे ऐसे टेक्नोलॉजीज जिनको आप वियर कर सकते हो, ठीक है, और दैट इज ऑल्सो नोन एज योर वियरेबल गैजेट्स, ठीक है। वियरेबल गैजेट इज अ कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी डिवाइसेस दैट कैन बी वॉर्न बाय अ कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्मार्ट वॉच होती है, स्मार्ट वॉच इज अ एडवांसमेंट। स्मार्ट वॉच के, मुझे लगता है आज तो हर एक बच्चे को स्मार्ट वॉच के एप्लीकेशंस पता होंगी, ठीक है। जितने भी स्मार्ट वॉचेज हैं उन पर आप अपने इवन फोन को कनेक्ट कर सकते हो, उन पर इवन वॉइस कॉल अटेंड कर सकते हो, दे कैन गिव यू द मैसेज जब अलर्ट देता है आपको। सो वियरेबल टेक्नोलॉजी रेफर टू द क्लोथिंग और एक्सेसरीज दैट हैव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इन इट। तो इस तरह के सारे डिवाइसेस में टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो, वेरियस वियरेबल गैजेट्स आर देयर, लाइक योर गॉगल्स हैं आपके पास, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस हैं, इवन आई बैंगल इज ऑल्सो अ स्मार्ट वॉच, ओके, दैट कैन वॉर्न बाय अ कंज्यूमर। एंड एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच, डिजिटल फोन बैंड, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजीज। सो स्टूडेंट्स, ये हमने 4 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिस्कस की आज। कौन कौन सी? यस, फर्स्ट वियरेबल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ओके, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।